नाजीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एस ए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एस ए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक्सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर, नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स, हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपर मार्केट, शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के नए सरकारी लोगों की तस्वीर वायरल, काकतिया कमान को निकाल दिया गया, लोगों और रियासती गीत को कतियत देने में वजीर आला मसरूफ। अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके प्लास्टिक फ्री, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। फोन टैपिंग लीगल या नॉनसेंस, कांग्रेस फिल्म का पता नहीं, रीलें चला रही है। बेबुनियाद खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोकटपल्ली के साकिन 4 नौजवान बापटला की नदी में गरखाब, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में लारी ने स्विगी डिलीवरी बॉय को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। सैदाबाद में भी नौजवान लापरवाह ड्राइविंग का शिकार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दो जून के बाद रियासत में सरकारी लोगो तब्दील होने वाला है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से सरकारी निशान को कतियत देने के लिए वजीर आला ने जायजा इजलास में तबादला ख्याल किया। इस दौरान सरकारी लोगों के चंद तस्वीर वायरल हो गईं। इस सिलसिले में हुकूमत ने अभी तक कतई फैसला नहीं किया है, लेकिन जो भी तस्वीर वायरल हुई है उसके मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने सरकारी लोगों में काकतिया कमान को रखा था। कांग्रेस हुकूमत इसकी शुरू से मुखालिफ कर रही है। नए सरकारी लोगों की जो तस्वीर वायरल हुई हैं, उसमें काकतिया कमान को गायब कर दिया गया है। एक तस्वीर चारमीनार को बरकरार रखा गया है और एक तस्वीर भी सामने आई है, इसमें चारमीनार को निकालकर गौतम बुद्धा के मुजस्मे को रखा गया है। जो तस्वीर शाये हुई है इसमें तेलंगाना रियासत के निशान को शामिल किया गया। हुकूमत ने अभी तक किसी भी निशान को कतियत नहीं दी है
और ना ही सरकारी तौर पर किसी निशान को जारी किया है। 2 जून को इसकी सरकारी तौर पर इजराई अमल में लाई जाएगी। बीआरएस पार्टी शुरू से ही सरकारी लोगों को तब्दील करने की मुखालिफत कर रही है। दो जून को मनाए जाने वाली तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी कामगा पर इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती वजीर चोपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडाराम, सीनियर लीडर ए दयाकर, वजीर आला के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, अरकाने मुकरना के अलावा मुसफिर रुद्रा राजेशम भी मौजूद थे। वजीर आला ने इजलास में रियासती गीत की तैयारी का भी जायजा लिया। म्यूजिक डायरेक्टर केरावानी और शायर अंडसरी की मौजूदगी में गीत को खतियत दी गई है। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। इससे पहले सरकारी लोगों को खतियत देने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब 2 जून को परेड ग्राउंड पर मुनाकिद होगी। 2 जून की शाम में टैंकबंड पर कार्निवाल, आतिशबाजी, लेजर शो, फूड, गेमिंग स्टॉल कायम किए जाएंगे। टैंकबंड पर करीब 80 स्टॉल कायम किए जाएंगे। शहर के मशहूर होटल्स के स्टॉल और बच्चों के गेमिंग शोज का भी अहतमाम किया गया है। जय जय हो तेलंगाना गीत पर कौमी झंडे के साथ मार्च पास किया जाएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व को जुलाई के खत्म तक मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक फ्री जोन बनाने एक लाहेमल तैयार करने की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे जंगलात, पंचायत राज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके में प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और दीगर प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी को रुबामल लाया जाए। ममनुआ प्लास्टिक अशिया को इस इलाके में ले जाने से रोकने, मजीद चेक पोस्ट कायम किए जाए। माहौलियाती माफिक कागज, कपड़े, जूट के बने बैग्स के इस्तेमाल की तरकीब दी जाए। इस इलाके को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने बड़े पैमाने पर अवाम में तशहीर की जाए। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा पंचायत, जिला व रियासती सतह पर अलामती बोर्ड नस्ब किए जाए। शाहरा पर कारोबार करने वालों को इससे बाखबर रखा जाए कि टाइगर रिजर्व इलाके में प्लास्टिक अशिया ले जाने की ममानियत है। इस इलाके में 4 बस्तियां भी हैं। यहाँ के मकीनों को एक मुकर्रा वक्त तक दीगर मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हरिता नदी के तहत फंड्स मौजूद हैं, इसका इस इलाके के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने महकमे इंडोमेंट के अहदेदारों से कहा कि वो जिले महबूबनगर की मैसम्मा मंदिर में प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने इकदाम करें। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि फोन टैपिंग लीगल सेंस है या नॉन सेंस है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला के ओहदे पर रहकर रेवंत रेड्डी केसीआर के खिलाफ बयानबाजी मुनासिब नहीं है। तहरीक के दौरान केसीआर की फोन टैपिंग की गई, उस वक्त किसी ने तवज्जो नहीं दी। फोन टैपिंग को लेकर अगर इस तरह की खबरें फैलाई गई तो हम कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। फोन टैपिंग पर हुकूमत कलम बनाना दूर की बात है, सिर्फ न्यूज रील चला रही है। कल तक कालेश्वरम पर फिल्म चलाई गई, चंद दिन से खामोश रहकर अब फोन टैपिंग पर बावेला मचाया जा रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कांग्रेस ने आवाम से जो वादे किए उसकी अमलावरी पर तवज्जो दें। गत प्रभुत्वम मीद, गत प्रभुत्व अविनेतलम मीद, गत प्रभुत्व कालंलो सुमारु 9.5 ఏళ్ల కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో అమలైనటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనేకమైన అంశాలు ఏ ఒక్కటి కూడా అది ప్రజలకు ఏది లాభం చేయనట్లు, సాంతన కూర్చనట్లు, మేలు ఎనగూరనట్లు, అన్నింటికన్నీ వైఫల్యమైనటువంటి విధంగానే వాటి మీదనే మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. మిషన్ కాకతీయ అంటే ఫెయిల్ అన్నారు, మిషన్ భగీరథ ఫెయిల్ అన్నారు, కాళేశ్వరం ఫెయిల్ అన్నారు, డబుల్ గుడి వీళ్ళు కట్టనీలేవు అన్నారు. ఇవి ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, గొడవలవి ఫెయిల్ స్కీమ్ అన్నారు, అసలు ఏమీ లేవన్నారు. ఏమి తీసుకుంటే అది గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి పనులు ఒకదాన్ని కూడా అవును, ప్రభుత్వంలో ఇది జరిగింది, ఇది జరగలేదు, లేదా ఇది కొనదాకా జరగలేదు, లేదా ఇందులో పొరపాటు జరిగింది, ఈ రకమైన చర్చ ఎక్కడా లేదు. మొత్తానికి మొత్తం ఏం జరగలేదు అని చెప్పి హోల్సేల్గా ఎక్కువటటువంటి మాటలు మాట్లాడడం, ఆ పథకాలకు కానీ ఆ ప్రయోజనాలకు కానీ దురుద్దేశాలను అంటగట్టడం, అది మీరు చెప్పిందన్న ఏదైనా మొదలు చేస్తుందంటే
बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में फिर एक बार तेलंगाना तहरीक का आगाज होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तश्कील हुए 10 साल हो चुके हैं, 10,000 अफराद के साथ। साबिक वजीर आला केसीआर गनपार से सेक्रेटरियट के पास जहदकारों की ज्योति रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा तेलंगाना की निशानियों को खत्म करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। यह हुकूमत किन निशानियों को खत्म करेगी? काकतिया कलाथोरानम गोलसोकुट्टू झील को खत्म करने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस हुकूमत तबाही मचाने के रास्ते पर है। तेलंगाना राष्ट्रम दशाब्दी मुगिंपु उत्सवालु बीआरएस पार्टी आध्वर्यंलो ఒకటవ తేదీ నాడు ప్రారంభమవుతాయి। ఒకటవ తేదీ నాడు సాయంకాలం 6 గంటలకు हैदराबाद पब्लिक गार्डन र्याली प्रारंभम होती। 6:30 अमरवीर स्तूप गन पार्क वर्दक चेरकोनी अकड़ा मा पार्टी अध्यक्ष केसीआर गारु अमरलकु निवाळ अर्पिंची अक्कडि नुंडि र्याली तेलंगाणा अमर चिन्हवे सेक्रेटेरियट अमर ज्ञापक ज्ञापकार्थ निर्मित अमर स्तूप वरक चेरक आ र्याली अद्भुत उद्यम सदर्भ में तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष रेड्डी ने कहा कांग्रेस इख्तदार में आने के बाद अवाम को सिर्फ आंसू मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 6 गारंटियों में एक गारंटी पर भी पूरी तरह अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में 5 नए शराब के ब्रांड को मुतारिफ करवाया है। इस ब्रांड से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी इसकी मुखालिफत की गई। हुकूमत शराब पर आमदनी हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर कोई अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। रियासत में किसानों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन गारंटियों पर अमल नहीं किया है उसके बावजूद सोनिया गांधी को मधु किया जा रहा है। दक्कन के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है। शुमाली तेलंगाना से इतलात मिल रही है कि दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता हफ्ते तूफान रिमल के ज़ेरे असर तेज हवाओं से बारिश के सबब दर्जे हरारत में कुछ कमी हुई थी। 10 दिन पहले गैर मौसमी बारिश की वजह से भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई थी। चारशंबे को तेलंगाना के लिए गर्म दिन रहा। शुमाली तेलंगाना के इलाकों मंचिरियाल कुत्तागुड़म आसिफाबाद पेद्दापल्ली आदिलाबाद निर्मल जगतियाल में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। वस्ती और जनूबी तेलंगाना बशमोल हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री और चंद मुकामात पर 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर शुमाली हिंद के कई इलाके सदी की शदीद तरीन गर्मी की लपेट में हैं। राजस्थान हरियाणा दिल्ली और उसके मुतसिल इलाकों में दर्जे हरारत 50 डिग्री से ज्यादा बताया गया है। चंद मुकामात पर 52 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया। अहलियान महिला तालाब कट्टे की जानिब से मजलिस के उम्मीदवारों ने पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर आयत करीमा के विर्द के बाद मजलिस के उम्मीदवार सदर मजलिस पारिसर असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की गई। आयत करीमा की महफिल में मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की समाज जारी है। रुकन असेंबली की जुस्तजू से हल्के के तमाम डिवीजन में कई काम अंजाम किए गए हैं। चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने डिवीजन के चंचलगोड़े में अंजुमन से कालाडेरा तक 300 mm सीवरेज लाइन के काम का जायजा लिया। उन्होंने काम की तकमील से मुतालिक भी ओहदेदारों को रुकन असेंबली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ कराया।
शहर के नवाही इलाके गजुला रामारम में मुकामी अवाम ने चीते मुमासिल जंगली बिल्ली को पकड़कर महकमे जंगलात के हवाले किया है। बताया गया है कि कुछ दिनों से जंगली बिल्ली इस इलाके में देखी जा रही थी। चारशंबे को मुकामी अवाम ने उसे जाल बिछाकर पकड़ लिया। जंगली बिल्ली को देखने के लिए अवाम का हुजूम भी जमा हो गया था। रचाकुंडा पुलिस ने मंगल को नौमौलूद बच्चों की गैरकानूनी फरोख के रैकेट को बेनकाब करते हुए 13 बच्चों को बाजियाब कराया था। इन बच्चों को लावल चोरों की तरफ से 2 लाख का 5 लाख रुपए में हासिल किया गया था। पुलिस की तरफ से बच्चों को तहवील में लेकर चाइल्ड वेलफेयर महकमे के हवाले किया गया है। दूसरी तरफ जिन जोड़ों ने बच्चों को खरीदा था वो अब सदमे से बेहाल हैं। उनका कहना है कि वो 2 या 3 साल से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अब उनके बगैर वो कैसे रह पाएंगे। इन जोड़ों ने पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें बच्चे वापिस लौटाए जाए। बच्चों से महरूम जोड़े जज्बाती और अश्कबार देखे गए। शहर के 4 नौजवान बापटला नदी में गरकाव हो गए हैं। तहसीलात के मुताबिक 6 दोस्त सूर्यलंका बीच से हैदराबाद लौट रहे थे। बापटला में नागराजू कलवा नदी में उतरे, पानी के तेज बहाव में 4 नौजवान बह गए। बहने वाले नौजवानों की शिनाख्त कोकटपल्ली के साकिनान सनी, सुनील, करण और नंदू की हैसियत से की गई है। मुकामी पुलिस ने गोताखोरों को तलब किया है और यहाँ पर पानी में बहने वालों की तलाश शुरू की गई है। घर वाले भी वहां पर पहुंच गए थे और उन्हें जारो कतार वहां पर रोता हुआ देखा गया। शाम तक यहां पर किसी भी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल आया था, अभी भी उनकी तलाश जारी थी। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुराने पुल के पास लारी की टक्कर से स्विगी का डिलीवरी बॉय हलाक हो गया। महलूक नवाब साहब पुंटे का साकिन बताया गया है। हादसे के फौरी बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया, ताहम उसकी लारी को तहवील में ले लिया गया है। ड्राइवर की तलाश जारी है। रात के औकात में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लापरवाही से हेवी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी तरह सैदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नौजवान दूसरे शख्स की मुबैना लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हादसे में जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बंतू थर्मा नायक चारशंबे की सुबह अपनी मुलाजमत के लिए जा रहा था। लापरवाह फोर व्हीलर ड्राइवर ने उसे टक्कर दे दी। बंतू को दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सर से बहुत खून बहने की वजह से बंतू की हालत नाजुक है। बंतू के अफराद खानदान ने लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हादसे में श्री लक्ष्मी नामी एक खातून भी जख्मी हुई हैं। टास्क फोर्स सेंटर जोन ने खुफल चकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम देने वाले एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागर कनूल का साकिन शंकर नायक ने रच्चा कुंडे के हदूद में सरके की 10 वारदातें अंजाम दी थी। मसरूखा अशिया को वो राकेश के पास रखाया करता था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए शंकर नायक और उसके साथ ही राकेश को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 6,70,000 रुपए मानियत के सोने चांदी के जेवरात, एक टू व्हीलर और 3 सेलफोन को जब्त किया गया। बताया गया है कि शंकर नायक हैदराबाद, सैबराबाद और चिकुंडे में बाइक के सरके में भी मुलव्वज़ था। रियासत के दूसरे अजला में भी उसने सरके की वारदातें अंजाम दी थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यू मैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव एस ए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एस ए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अक्सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर, नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहायश फ्लैट्स, हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के नए सरकारी लोगों की तस्वीर वायरल, काकतिया कमान को निकाल दिया गया, लोगों और रियासती गीत को कतियत देने में वजीर आला मसरूफ। अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके प्लास्टिक फ्री, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। फोन टैपिंग लीगल या नॉनसेंस, कांग्रेस फिल्म का पता नहीं, रीलें चला रही है। बेबुनियाद खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोकटपल्ली के साकिन 4 नौजवान बापटला की नदी में गरखाब, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में लारी ने स्विगी डिलीवरी बॉय को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। सैदाबाद में भी नौजवान लापरवाह ड्राइविंग का शिकार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।